भाई पूरा सन्नाटा, बहुत और सफलता हुई भाई। मैच हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ ऑस्ट्रेलिया जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। टी शर्ट नहीं मिलेगी क्या कहीं हमें इंडिया की? सीपी में मिलेगी, अब सीपी थोड़ी जाएंगे, अब तो मैच चल गया, अब तो इंडिया इंडिया होगी यहीं पे भाई। अपना है फर्स्ट टाइम ऐसे मैच की स्क्रीनिंग का, और उसमें एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। फर्स्ट टाइम में तो यार बढ़िया होना चाहिए, और इंडिया मैच जीत जाए बेस्ट चीज। हम ही आए मेट्रो में, हम तो दिल्ली के ट्रैफिक से बचने के लिए आगे मेट्रो में भाई। लोकेशन है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, इसमें अंदर जाके क्राउड तो देख सही है, गाड़ी वाड़ी देख के तो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जैसा है। दिखाओ भाई टिकट दिखाओ। गाइस आ चुके हैं अंदर, और ये रहा क्राउड भाई। कैमरा वैमरा लगा के सेट तो है सिस्टम पे भाई। फाइनली बैठने की जगह मिल चुकी है, अभी यहाँ पे इंग्लिश कमेंट्री चल रही है, थोड़ी देर बाद हिंदी स्टार्ट होगी। जब हिंदी दिखाएंगे तो मैं दूसरी जगह पे जाके 4 बजे से पहले चले जाऊंगा, 4 बजे 3:50 बजा के वहीं बैठ जाएंगे, पहले ही अपनी जाके आगे जगह मिल जाए। यहाँ तो हमें बीच में जगह मिल रही है, बच गया भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे अपना हिंदी चल गया बढ़िया। भाई बहुत गलत सीन चल रहा है, श्रेयस 4 रन पे गया है, अभी इससे पहले 2 बॉल पहले रोहित गया था। पूरा सन्नाटा, पूरा माहौल खराब हो रखा है, लोग चुप बैठे हैं। भाई मैच चल रहा है बहुत ज्यादा धीरे धीरे, जैसी उम्मीद नहीं थी उतना धीरे चल रहा है। अभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसलिए टेम्पर उतार के यहाँ फेंक लिया जी। पूरा देखो सब शांत बैठ गए, एक गोली के हिसाब से चल रहा था मैच, वो भी खत्म भाई, बहुत आर पार का मामला इस बार। इसमें लगे आई नहीं रही है दूर दूर तक, देखने को ही नहीं, स्टार्टिंग में जब आए थे जब भी आई थी तगड़ी आ गई थी, थोड़ी सी जान डाल रखी है मैच में, कहा चलो भाई कुछ है बातचीत, जगह सन्नाटा चल रहा है भाई। सूर्य कुमार यादव आया है, उससे उम्मीद है थोड़ी सी कि हाँ कुछ कर सकता है मैच चल रहा है, उससे थोड़ी सी उम्मीद है कि अब कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, बट अगर वो गया तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंडिया जीतेगी, कोई दिक्कत वाली बात चीज नहीं है, जीतेगी जीतेगी भाई। भाई ये देखो ये पिज्जा गैस करो कितने रुपए का होगा, यहाँ पे 60 रुपए वाला पिज्जा, यहाँ पे हमें 60-70 वाला 300 रुपए में मिलता है, क्यों भाई सही कह रहा हूँ। चलो गाइस खा लेते हैं, भी और बड़ा करना पड़ जाता है, और ऐसे में आपको साथ चाहिए होता है खिलाड़ियों का, टीममेट्स का, पार्टनरशिप, साझेदारी, बॉलिंग में भी, बल्लेबाजी में भी। तो पैर से आके बैठे, भूख लगी बहुत तगड़ी। फाइनली बहुत मेहनत के बाद 200 रन कम्प्लीट, एक 2 रन निकल जाए बस, उसमें लग रही है पब्लिक भाई, मौज आ गई मौज आ गई, जैसी थोड़ी सी स्टेबिलिटी सी आती है वैसे विकेट गिर जाती है। देखो यहाँ पे सीट की इतनी मारामारी चल रही है, हम लोगों में से मैं और यश आ रखे, हम दोनों में से एक जना जाता है, एक जना यहाँ बैठ के सीट रोकता है, क्योंकि पब्लिक आके ऐसे बैठ जाएगी, बट ये सिस्टम हो रखा है बिल्कुल ही, एक मैच का प्रेशर, एक सीट रोकने का प्रेशर, बहुत प्रेशर चल रहा है भाई की सीट रोक रखी है। देखो यहाँ ये सब ऐसे हैं जो सीट के बिना बैठे हुए हैं, सब आके लग रहे,
भाई तुमने मैच के लिए टिकट के लिए लाइन लगती देखी हुई, ये अभी जो लाइन दिखाई थी वॉशरूम जाने के लिए लाइन लगी हुई है। भाई एक चौके में ऐसे हो गई पब्लिक जैसा मैच जीत गए हो। उठ गई सब नाचने लगे, सब बढ़िया माहौल बना दिया लास्ट में चौके ने बस। लो भाई आखिरी बॉल और अब देखते क्या होता है भाई मैच की लास्ट बॉल इंडिया की तरफ से। भाई 240 के स्कोर के बाद अब बॉलिंग पे है जो डिपेंड करता है सारा खेल। जो चक दे इंडिया भाई तो केड़ी बातचीत लग रहा है कुछ भगवान से और कुछ मान में चाहे आ गया है। भगवान एक बार सुन ले बस मजा आ जाएगा। भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। गिरवानी है पहले ओवर में मजा बांध देना पूरा। आप तो मैच में देख ये सारे वार्म अप करना स्टार्ट हो चुके, बस हमारी जगह ना लुटी हो। अगर जगह लुट गई तो दिमाग खराब हो जाएगा बुरी तरह। वैसे तो भाई ने रोक रखी लगे, देखियो भाई रोक रखी, आ जा जल्दी चल। भाई विकेट के बाद देखो कितनी साउंड आई है स्टेडियम में, एक विकेट गई है थोड़ी सी जान सी तो आई है भाई मैच में पूरी सी। ऐसा लग रही है सारी बॉल मिस हो रही है, सारी बॉल अब ऐसा लग रही है कि यही बैठ के देख सके भाई मैच है। चला निशाना विकेट है, विकेट है, अगली बॉल पे विकेट है। भाई मैच हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ ऑस्ट्रेलिया जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत तगड़ा प्रेशर बन रहा है भाई विकेट के लिए, बहुत तगड़ा। ओवर की शुरुआत में 150 को दो था पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर, एपिसेट भाई एपिसेट। और उसके बाद पलटवार जब हुआ तो 41 रनों के दरमियान 8 विकेट ले लिए। भाई मैच इतना गंदा चल रहा है, स्क्रीन पे बंद हो गया पहले कितनी भीड़ थी और अब देखा हूँ ये देखना। खत्म भाई पब्लिक उठ के चलेगी यहाँ से, पहले कुर्सी रोक नहीं पड़ रही थी स्टार्टिंग में, अब उठ के चल रही और भी मैच खत्म भी नहीं हुआ हम भी चली रहे। चलो भाई पनौती लोकेशन को बाय करके और अपने घर चल रहे देख लो जी अभी बाय इंडिया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ट्रॉफी छोड़ दी हमने ऐसे ही। भाई इससे ज्यादा दुख हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो अब वहां से तो हम निकल गए। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट के 5-7 ओवर के अराउंड बच रहे हैं बट कोई नहीं, पता है भाई हार गए सो इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट और अपना अगली बार वर्ल्ड कप लेकर आएंगे भाई। और क्या ये सही में सोना सा लग रहा है, देख पूरा सारा सोना सोना एरिया है, कहीं कुछ है ही नहीं भाई। दो कितना हो रहा है, एक तो फाइनल्स तक पहुंचने के बाद या तो पहले ही हो लेते जब चलो थोड़ी सी रहती फाइनल्स में। इन वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी ना 1.5 महीने से जो हम दे रहे थे धीरे 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 के भाई जीतेंगे, पहली बार हो जाती। हाँ वही तो बात थी कि पहली बार हो लेते तो ठीक था, इतना ज्यादा दुख नहीं रहता बट इट्स ओके यार क्या कर सकते हैं भाई। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट टाटा बाय बाय राम राम जी।